अरे कोई सैनिटाइजर से शराब बनाने का फॉर्मूला बता दो। ये वो मैसेज था जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ और जिसने भी इसे पढ़ा वो मुस्कुराए बिना रह नहीं पाया। लेकिन लगता है कि तमिलनाडु के कुछ लोगों ने इस मैसेज को बेहद सीरियसली ले लिया और आपदा की घड़ी में वो ठगी में जुट गए। तमिलनाडु पुलिस ने इन 6 लोगों को अरेस्ट किया है। ये सैनिटाइजर से शराब बना रहे थे। मामला कुडालोर जिले का है जहां रामनाथन कुप्पन नाम की जगह पर सैनिटाइजर से शराब बनाई जा रही थी। तमिलनाडु में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है, यहां शराब की दुकानें बंद हैं। 19 मई के दिन पुलिस को एक सूचना मिलती है कि कुछ लोग सैनिटाइजर से अवैध तरीके से शराब बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इन 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी भी पहुंचे। कंफर्म किया गया कि शराब जिस मटेरियल से बनाई जा रही है वो सैनिटाइजर ही है। पुलिस ने मौके से 300 लीटर सैनिटाइजर, खाली बोतल और टाटा गाड़ी को जब्त भी कर लिया। क्या आप जानते हैं कि तमिलनाडु में बीते 24 घंटों में कोरोना के 34,875 नए केस दर्ज हुए हैं। कुल 365 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 34,031 नए कोरोना केस सामने आए हैं। केरल में 32,732 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इससे ये पता चलता है कि तमिलनाडु इस वक्त कोरोना से प्रभावित राज्यों में सबसे आगे है। आपको पता है अब तक तमिलनाडु में तकरीबन 17 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यह खबर आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और न्यूज़बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।